संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई में जो डिफरेंस होता है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी समझाएंगे कि थ्री फेज सप्लाई जो है वो पावर लोड्स के लिए ज्यादा प्रेफर क्यों की जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं कि जो दोनों सिस्टम में, थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो इनमें दोस्तों होता है कि जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, सिंगल फेज सप्लाई में पावर जो होता है वह पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग पावर का मतलब है कि पावर का जो मान है वह निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, देखिए हम मैं आपको बताता हूं उदाहरण के तौर पे। जैसे मान लीजिए, क्योंकि एसी का सब सोर्स है तो ये मान लीजिए हमारा जो है वोल्टेज का वेवफॉर्म है। तो यदि हम इन फेज सर्किट को कंसीडर करें, उस कंडीशन को कंसीडर करें जब वोल्टेज और करंट दोनों फेज में, तो इनका शेप भी जो वेव शेप है वह भी समान होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में दोस्तों आप लोग देखें कि पावर बराबर होगा, पावर बराबर होता है वी इंटू आई इन फेज सर्किट के लिए, वी इंटू आई। ठीक है, यानी वोल्टेज का गुणा जब हम करेंट से कर देते हैं तो उस सर्किट में हमें पावर का मान क्या है यह पता चल जाता है। अब इस सर्किट में दोस्तों आप देखें कि पावर, यह पावर को निकालने के लिए चूंकि करंट जो है, ये करंट सॉरी ये वोल्टेज का जो मान है, यहां देखें आप 180 डिग्री पर वोल्टेज का मान यहाँ जीरो है और करंट का मान भी जीरो है, तो ये पावर कितना आएगा यहां पर 180 डिग्री पे, पावर कितना होगा जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये 360 डिग्री पर यहाँ पर करंट, वोल्टेज और करंट दोनों का मान जीरो है, तो इसीलिए पावर कितना होगा जीरो। तो ये वह कंडीशन है जब वोल्ट जो करंट दोनों फेज में, लेकिन दोस्तों जब वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस होता है, तब यह जो पावर है यह एक साइकिल के लिए चार बार जीरो होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है सिंगल फेज सप्लाई का, इसमें पावर जो होता है वह पल्सेटिंग होता है। ठीक है, इसके तुलना में दोस्तों यदि हम लोग थ्री फेज सप्लाई की बात करें तो थ्री फेज सप्लाई में किसी एक फेज में पावर जो है वह जीरो या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के तीनों फेज का जो एवरेज पावर है, जो लोड को मिलने वाला एवरेज पावर है, वह हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, तो नंबर वन एडवांटेज थ्री फेज सप्लाई का आप लोग याद रखें कि थ्री फेज सप्लाई में जो एवरेज पावर होता है लोड को दिया मिलने वाला वह कॉन्स्टेंट होता है, स्थिर होता है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई में जो पावर होता है वह पल्सेटिंग होता है। एक साइकिल में अगर सप्लाई आपकी इन फेज है, वोल्टेज और करंट इन फेज है, तो एक साइकिल में दो बार जीरो होगा पावर, और यदि मान लीजिए जो सप्लाई है वह या लोड है आपका वो आउट ऑफ फेज है, उसमें वोल्टेज और करंट जो है वह आउट ऑफ फेज है, तो उसको मिलने वाला जो पावर है वह एक साइकिल के लिए चार बार जीरो होगा। ठीक है, तो यह नंबर वन डिसएडवांटेज हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेकंड डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों इसका सेकंड डिसएडवांटेज सिंगल फेज सप्लाई का एक अन्य डिसएडवांटेज यह है कि यदि हम सेम कैपेसिटी की, जैसे मान लीजिए यदि हम 2 HP की मोटर की बात करें, सेम कैपेसिटी की दो मोटरें हैं, 2 HP की दो मोटर्स हैं, यदि हम 2 HP की दो मोटर्स लें,
एक सिंगल फेज की बनाए और एक थ्री फेज की बनाए। तो जो सिंगल फेज की मोटर होगी, सिंगल फेज 2 HP की जो मोटर होगी, उसका साइज ये है हमारी वन फेज एसी मोटर, ठीक है। तो इस मोटर का जो साइज होता है वो रिलेटिवली थ्री फेज मोटर के लिए सेम कैपेसिटी की थ्री फेज मोटर की तुलना में कम होता है, ठीक है। ये थ्री फेज मोटर है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिंगल फेज मोटर है सेम कैपेसिटी के लिए, यानी कि 2 HP के लिए जो हमने उदाहरण लिया है, सेम कैपेसिटी के लिए सिंगल फेज मोटर का जो साइज है वह ज्यादा होता है, जबकि थ्री फेज मोटर का साइज सेम कैपेसिटी के लिए कम होता है। यह मोटर कम जगह घेरेगी और सिंगल फेज मोटर जो है वह ज्यादा जगह घेरेगी, उसे ज्यादा स्थान की आवश्यकता होगी। या इसे हम दोस्तों एक अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि सेम कैपेसिटी के लिए, सेम साइज के लिए यदि हम लोग बात करें, सेम साइज के लिए यदि दो समान आकार की मोटर हम लोग लें, तो समान आकार के लिए जो सिंगल फेज की मोटर है उसकी तुलना में थ्री फेज की कैपेसिटी या रेटिंग 1.5 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो यह सेकंड एडवांटेज था थ्री फेज सप्लाई का। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य तीसरा एडवांटेज यह है कि जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं, सिंगल फेज मोटर्स के बारे में यदि आपने अध्ययन किया हो, अभी आपने पढ़ा होगा अगर, या आप जानते हो या आप नहीं भी जानते, तो इतना ध्यान रखें कि जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं वह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना केवल याद रखें कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसे अपने आप चालू करने के लिए, उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें अलग से कुछ तरीके, कुछ मीन्स जो है एक्सिलरी सर्किट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है सिंगल फेज मोटर्स का, वहीं पर थ्री फेज मोटर्स जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो यह भी एक जो है हमारा एडवांटेज है थ्री फेज सप्लाई का। इसके अलावा दोस्तों जो सिंगल फेज अल्टरनेटर्स होते हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटर्स को यदि आपको पैरेलल में चलाना है ज्यादा लोड को सप्लाई करने के लिए, तो सिंगल फेज अल्टरनेटर्स को पैरेलल में चलाना या उनका पैरेलल ऑपरेशन कठिन होता है बजाय थ्री फेज अल्टरनेटर्स के, क्योंकि थ्री फेज अल्टरनेटर्स में एवरेज पावर जो है वह बराबर रहेगा, जबकि सिंगल फेज अल्टरनेटर्स में जो पावर है वह 4 बार तक 0 हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो इसीलिए सिंगल फेज अल्टरनेटर्स को पैरेलल में ऑपरेशन करना जो है थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन थ्री फेज अल्टरनेटर्स को आसानी से पैरेलल में ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों इसका जो चौथा एडवांटेज होता है थ्री फेज सप्लाई का, वह यह है कि जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं उनका पावर फैक्टर सेम कैपेसिटी के लिए, सेम रेटिंग के लिए, यानी कि समान स्पीड और आउटपुट के लिए सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कम होता है सॉरी वहीं थ्री फेज सप्लाई के लिए पावर फैक्टर का मान अधिक होता है, ठीक है। यह एडवांटेज हो गया। इसके अलावा दोस्तों थ्री फेज सप्लाई की सहायता से हम मोटर्स में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या हम चुंबकों की 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सहायता से हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्रिएट कर सकते हैं, जबकि सिंगल फेज सप्लाई में ऐसा नहीं किया जा सकता।
तो दोस्तों यह जो थे कुछ डिसएडवांटेजेस थे, या यूं कहें कि ये थ्री फेज सप्लाई के एडवांटेज थे और सिंगल फेज सप्लाई के जो है ये डिसएडवांटेज थे। इसीलिए जो सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज सिस्टम है वो रिलेटिवली केवल घरों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो पल्सेटिंग पावर है वो लाइट एंड फैन सर्किट्स के लिए जो है उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। लो लाइट एंड फैन सर्किट्स जो है लोड जो है पल्सेटिंग पावर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो पावर लोड्स होते हैं वहां पर पल्सेटिंग पावर को यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों जो लाइट एंड फैन सर्किट है या डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो सिंगल फेज से दी जाती है, और जो पावर लोड्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोड्स हैं उनको थ्री फेज से सप्लाई किया जाता है, थ्री फेज सिस्टम के द्वारा उन्हें लोड सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम में अंतर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट्स में उसे लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू